महात्मा गांधी, वो नाम जो दुनिया भर में विख्यात हैं अपने अहिंसावादी आंदोलन के लिए, भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने गोडसे की पूजा की और शायद आज भी वो लोग गोडसे की पूजा करते नहीं थकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांधी के देश में उन्हें रोका नहीं गया, बल्कि कई जगह उन्हें समर्थन भी मिला जिन्होंने गोडसे को माना। कई लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने मंच से गांधी जी को अपशब्द बोले, अपशब्दों का उनके लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। तो आज अब देखिए, आज जब ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाता है और बाहर से आए मेहमानों के सामने गांधी जी के विचारों को नमन करने का कहीं ना कहीं ढोंग रचाया जाता है तो हैरानी होती है दोस्तों। G20 समिट के दौरान इससे जुड़ा कौन सा मामला सामने आया है, आखिर उस पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं और क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, G20 के लिए कई मेहमान जो हैं अलग अलग देशों से आए और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो राजघाट पहुंचे थे और दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधियों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि भी दी। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो ने ये कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी का बहुत महत्व है, ये नज़ारा अद्भुत था। उन लोगों को इससे ठेस ज़रूर पहुँची होगी जो आज भी गांधी जी के विचारों पर बिल्कुल नहीं चलते। इससे पता चलता है कि देखिए, आज भी गांधी जी के विचारों को पूरे विश्व में किस तरीके से देखा जाता है। गोडसे के पुजारी इस बात को ना कभी समझे थे ना आगे कभी समझेंगे। अब बेशक G20 सम्मेलन खत्म हो चुका है और G20 की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक और वीडियो निकल कर आया G20 का, इससे जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है दोस्तों। इसी में से एक और वीडियो है जो कि भारत मंडपम का बताया जा रहा है, और भारत मंडपम का इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जहां पर जितने भी देश के डेलीगेशंस, जितने भी डेलीगेशंस हमारे देश में आए थे, वो जहां पर रुके या आप कह सकते हैं जहां पर उनका आदर सत्कार किया गया, जहां से उनको समिट के लिए आगे भेजा गया, जहां से उनकी एंट्री होनी थी, वो भारत मंडपम कहलाया। भारत मंडपम अंदर से बहुत सुंदर सजाया गया था, लेकिन बाहर उसकी जो हालत थी, अगर वो मेहमानों ने देख ली होती तो किरकिरी होनी, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि होती ही होती किरकिरी। लेकिन वो अलग बात है कि जब वो मेहमान चले गए, या आप कह सकते हैं कि जब G20 सम्मेलन पहले दिन का ख़त्म हो गया, तब बारिश हुई। देखिए, बारिश को तो कोई रोक नहीं सकता है, मौसम तो बिन मौसम बरसात भी हो सकती है, बरसात के मौसम में तो बरसात हो ही सकती है, तो जाहिर है कि मौसम को आप बदल नहीं सकते, लेकिन मौसम के अनुसार कम से कम आप इंतज़ाम तो कर सकते हैं कि अगर बारिश आ गई मान लीजिए, और बारिश आने के बाद क्या वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का कोई उपाय नहीं था? जिस वक्त दिल्ली सज रही थी, जिस वक्त साज सजावट हो रही थी, दिल्ली का सौंदर्यकरण हो रहा था, क्या उस वक्त ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी नहीं समझा गया? क्योंकि मान लीजिए, अभी तो नहीं देखा जितने भी डेलीगेशन आए, क्योंकि यहाँ जितना भी पानी भरा हुआ था वहाँ पर, उसका सबसे पहले आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी आगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस पानी को निकाला गया है, मशीन लगा लगा कर निकाला गया है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं था कि वो पानी जो है इजीली वहाँ से निकल जाए। तो आपको वीडियो दिखाती हूँ इसका, ये वीडियो देखिए आप। जी, तो ड्रेनेज सिस्टम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि पूरे दिल्ली के सौंदर्यकरण पर, G20 सम्मेलन पर 4,4100 करोड़ आप कह सकते हैं, 4,100 करोड़ तकरीबन खर्च किया गया है, और उसमें से भी 2100 करोड़ समथिंग का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारत मंडपम को सजाने के लिए किया गया था। तो क्या बाहर जितना भी डेकोरेशन हुआ, अंदर जितना भी डेकोरेशन हुआ, उसमें ड्रेनेज सिस्टम शामिल नहीं था? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है, दिल्ली में जब पानी भरता है तो वो कितना ऊपर तक जाता है, ये बीते दिनों लोगों ने देख लिया है। ऐसी स्थिति में भी क्या कोई इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है दोस्तों। तो महात्मा गांधी को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है और भारत मंडपम में पानी भरने को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है, दोनों आपके सामने रखे हैं। दोनों में से किस पर आपकी क्या क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।